नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तीन विषय। पहला, क्यों कनाडा इंडिया विवाद बढ़ता जा रहा है? दूसरा, क्या वैलिड संविधान, क्या जो हमारा संविधान है इस समय उसको बदलना अपराध है? तीसरा, क्या राहुल गांधी रोज एजेंडा सेट कर रहे हैं मोदी जी के लिए? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे पहला आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको हर महीने एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। मैं उसके पहले कि मैं अपने विषय पर आऊँ, मैं आपको एक और बता दूँ। मैं अभी जयपुर में हूँ। जयपुर में गांधी वाटिका का मतलब उद्घाटन होना है। पहले आज था, अब शायद परसों होगा। उससे पहले गांधी जी पे गोष्ठी है आज। उसको उस जो गांधी वाटिका है बहुत सुंदर बनाई है, नए दृष्टि से बनी है, और क्योंकि उसके आयोजक लोग थे, उनका कहना यह था कि इसको अभी सोशल मीडिया पे इसकी फोटो मत डालिएगा। तो फोटो तो खींची है, लेकिन उनका मैं समझता हूँ जब उनका उद्घाटन विधिवत हो जाएगा उसके बाद वो फोटो शेयर होंगी, नए ढंग का है। और इसका इसका बहुत एक वजह से और बढ़ जाता है। ऐसे समय में जब गांधी की एक विरासत, एक धरोहर, एक निशानी को बनारस में बुलडोज से गिरा दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है, तो उस समय एक बहुत ही सुंदर गांधी की याद, गांधी के विचार, गांधी ने क्या सोचा, क्या किया, उस तरह की गांधी वाटिका उसके एक दो महीने के अंदर खड़ी हो जाती है जयपुर में। तो इस देश की विविधता का ये बात है कि अगर कुछ कहीं खराब हो रहा है तो कहीं कुछ उससे अच्छा भी हो रहा है। मैं सबसे पहली बात कर लूं, क्यों कनाडा इंडिया विवाद बढ़ता जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कनाडा इंडिया विवाद बढ़ता जा रहा है कि ये सारा कुछ इसका इसकी जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ा समझना पहले आवश्यक होगा। मोदी जी G20 में सबको बुला रहे थे, बाइडन जी को भी बुलाया, इनको बुलाया, उनको बुलाया। चीन से जो उनके राष्ट्राध्यक्ष थे वो नहीं आए, पुतिन साहब नहीं आए, तो थोड़ा मामला फीका हो गया। अब वहां हल्ला मचने लगा, ये होगा वो होगा। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जब यहाँ आए तो उन्होंने उनसे मोदी जी ने कहा कि आप खालिस्तान के समर्थन में जो मांग बीच बीच में आपके देश से उठती रहती है उसकी भर्त्सना कीजिए, उस पर कुछ एक उत्तर दीजिए, और आप क्या हैं इस तरह के। तो उस पर उन्होंने बिल्कुल दो टूक जवाब दे दिया कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर या कुछ तरह की प्रॉब्लम है तो हमारा देश इस मामले में सक्षम है कि वो उसको कैसे रोक लगाए और उस पर वो क्या कार्रवाई करे। तो मतलब एक तरह से उन्होंने मोदी जी के प्रॉम्प्ट पे इसकी भर्त्सना या इस पर कोई वक्तव्य देने से मना कर दिया। अब इस पर तो गुस्सा आना स्वाभाविक था मोदी जी को, या भारत के जो भी उस समय इस डिसीजन मेकर से। एक और खबर यह है कि अब भारत और कनाडा के बीच जो हमारा दो देशों के बीच का आपसी विश्वास होता है, वो देश हो चाहे व्यक्ति हो चाहे, वो इस समय इतना कम हो गया है कि एक छोटी सी बात इस एक घटना आपके साथ शेयर करूं। जो कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष ट्रूडो साहब थे, उनको होटल ललित में रुकना था। उनके लिए भारत सरकार ने एक बढ़िया सूट वूट अरेंज किया था कि भाई आप इसमें गेस्ट होंगे, लेकिन जैसा कहा जा रहा है इसका कोई वो नहीं है, जैसा बताया जा रहा है कि ट्रूडो 5 रात रहे क्योंकि उनका जहाज खराब हो गया था, उनको ओवरस्टे करना पड़ा। वो उस सूट में नहीं सोए जो भारत सरकार द्वारा उनके लिए उपलब्ध कराया गया था। वो बगल के किसी ऑर्डनरी कमरे में जाके सो गए, और इसके आप बताने की जरूरत नहीं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, वो क्यों सोए। उनको भाई कहीं खतरा था कि शायद यहाँ पे बंद होगा या कोई बात सुनने की बात होगी, इस तरह की बातें भी चर्चा में। खैर, जब ट्रूडो साहब यहाँ से वापस गए, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, मोटे तौर पे जरा ये जो सिखों की बात है वो भी समझ लीजिए। 4 ऐसे देश के विश्व के देश हैं जहाँ सिखों की आबादी तो है ही, उनकी ताकत भी है वहाँ। उनकी जैसे एक समय अमेरिका में केवल ताकत गुजरात के लोगों की बहुत होती थी, एक समय साउथ अरे गल्फ में केरल के लोगों की बहुत ताकत होती थी, वो फिनेंशियल पावर हो। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड मतलब यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये चार देश ऐसे हैं जहाँ पे सिख पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने बहुत काम किया है, पैसा खूब कमाया है, बिजनेस में कंट्रोल है, और अब वो वहाँ पे पॉलिटिकली भी बहुत अवेकेंड है और वो उनके पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि जैसा कनाडा में कहा जाता है करीब 8-8.5 लाख सिख हैं, 3.5-4 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई ऐसा बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन कनाडा के अपना लोकतंत्र है, अपने ढंग से वो अपने देश को चलाते हैं। वहाँ पे एक जून में, जून महीने में एक एक सरदार जी हैं हरदीप सिंह निजहर, उनकी हत्या हो गई। अब वो खालिस्तान समर्थक थे, उसके बारे में अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो मूल रूप से ट्रूडो जी का कहना ये था, उन्होंने जब यहाँ से हिंदुस्तान से वापस गए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक तरह से साफ साफ ये कहा कि ये जो हत्या हुई है निज्जर की, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट लोगों का कहीं ना कहीं से हाथ है और हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके बाद एक दो रास्ते थे। देखिए एक एक दुनिया की जग जाहिर चीज है, जो कोई माने ना माने, कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, हर देश में होते हैं, हर देश दूसरे देश के यहाँ कराता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से इस पे प्रतिकार किया, तो वहां पे ट्रूडो ने कहा कि भाई इस तरह की बात है और हम इस पे इंडियन एक डिप्लोमेट को अपने यहाँ से वापस भेज रहे हैं, मतलब इंडियन डिप्लोमेट पोस्टेड इन कनाडा को हम वापस भेज रहे हैं एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। अब इंडिया ने तो नी जर्क वो होता है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक इंडिया में जो कैनेडियन दूत राजदूत है उनको बुलाया गया, उनको बुलाया गया 10:23 पे, विदेश मंत्रालय पहुंचे 10:27 पे, 4 मिनट के अंदर बाहर निकल आए, गुस्साए हुए, और हिंदुस्तान ने भी एक कैनेडियन राजनयिक को कहा कि आप 5 दिन के अंदर देश छोड़िए, जो होता है टिट फॉर टैट। अब ये खेल वहां पे शुरू हो गया कि वन अपमैनशिप, इसको बजाय शांति से या इसको इग्नोर करने के लिए कि जिससे अपनी बातचीत होती रहे यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद जो जो मुश्किल वाली चीज आ गई, अच्छा एक चीज और समझिए कि ट्रूडो ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और बाद में फिर उनके जो प्राइम जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी उन्होंने भी कहा, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि भाई ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है, हमारे एक सिटीजन की हत्या हुई है, हम उसकी जांच कर रहे हैं और हमारे देश में लोगों को अपनी बात कहने का हक है, राइट टू एक्सप्रेशन है, अब उसमें अगर कोई वो क्रिमिनल एक्ट करता है वो करता है, उसमें हमारे देश का कानून है जो बिल्कुल टेक इट्स ओन कोर्स, वो अपने हिसाब से अपना उस पर काम करेगा, इस तरह की बात ही होनी चाहिए थी। जब इंडिया ने इसको निकाला, अब इस बीच क्या हुआ है कि यूएसए और कनाडा ये मोर ऑर लेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत घनिष्ठता, मतलब एक ही देश जैसे हैं, जैसे एक जमाने में दो देश हैं, लेकिन एक जमाने में जैसे जिस तरह की दोस्ती भारत और नेपाल में हुआ करती थी, एक जमाना था, आज नहीं है वैसी, उस तरह की कोई बात है, उससे भी ज्यादा घनिष्ठ है। तो यूएसए अब एक तरह से कनाडा के समर्थन में खड़ा हो गया, वो कह रहा भाई इन्वेस्टिगेशन में आप हाथ बढ़ाइए, आप इनकी वो करिए, वो यूएसए बिल्कुल साफ साफ कनाडा के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज जो हमारे यहाँ जिस तरह का रिएक्शन होता है, हमारे यहाँ मोदी जी ने मतलब इस सरकार ने कनाडा को जो वीसा इशू करते हैं कनाडा से जो लोग, उस वीसा पे रोक लगा दी गई, या अब तुम करोगे तो हम भी करेंगे। मैं एक चीज इसलिए सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ बात संक्षेप में, मैं 3 ऐसे उनका हिस्सा रहा हूँ, हमदर्द रहा हूँ, राजदार रहा हूँ, उसका रहा हूँ, 3 ऐसे देश जो कि देश थे और जिनको भारत में ना केवल शरण मिली बल्कि उनका जो मूवमेंट था उसको भी पूरी तरह से, नेपाल की नेपाली कांग्रेस थी, बीपी कोराला साहब, कोराला फैमिली पूरी, उसके बड़े नेता थे, बनारस में रहते थे और मैं मेरा क्योंकि पारिवारिक संबंध है, मेरे घर के बहुत लोग रहते हैं, उन लोगों से बिल्कुल वो था, बहुत साल हिंदुस्तान में रहे तो एक तरह से भारत सरकार तो उनको बढ़ावा दे रही थी। दूसरी बात कर लीजिए बर्मा, म्यांमार, जॉर्ज साहब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के घर में एक कमरा दिया गया हुआ था, मतलब इस तरह से बहुत से ठिकाने थे लेकिन एक कमरा था जहाँ पे मैं यहाँ पे अभी नहीं हूँ, मेरे ऑफिस में जो गांधी जी की आप फोटो देखते हैं, जो पेंटिंग देखते हैं, वो उन्हीं म्यांमार के एक आर्टिस्ट ने बनाई है, हम उनके
उस आंदोलन को जो उस समय की सरकार के हिसाब से देश विरोधी था, हम उनका उनका पूरा समर्थन करते रहे, उनको पूरी चीजें मुहैया कराते रहे। तीसरा एक आंदोलन जो आज भी है देश की धरती से वो लोग चलाते हैं, वो है तिब्बत। तिब्बत आज भी उसकी जो निर्वासित सरकार है, जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, वो हिंदुस्तान में है। वो आज भी अपने उस आज़ादी के लिए आंदोलन करते रहते हैं। तो मेरा मेरा कहना यह है कि आप दूसरे के उसमें कि हमें नहीं, आप खालिस्तान, इस समय आपको एकदम से खालिस्तान खालिस्तान क्यों याद आ रहा है? आपको खालिस्तान इसलिए याद आ रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम आपका चल नहीं रहा है, तो आप कोई ना कोई एक ऐसा इशू चाहते हैं जिससे हिंदू कंसोलिडेट हो जाए। हिंदू सिख करके आप हिंदू कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, मतलब वही फिर नफरत की बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे खेल में जहां आपको केवल वोट समझ आता है, जो ये विदेश मंत्रालय के मामले होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म रिपेयर, इसमें बहुत समय लगेगा इस संबंध को ठीक होने में। कनाडा में हमारे देश के बहुत से लोग जाके एम्प्लॉयड हैं कनाडा, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब ऑस्ट्रेलिया एक डेस्टिनेशन है, वो है। तो इस पर जितनी जल्दी इसको शांति से सुलझाया जाए वो अच्छा है। हर चीज़ पे टिट फॉर टैट नहीं है, जो गांधी कहते थे कि अगर एक आँख के बदले आँख तो पूरी दुनिया आंधी हो जाएगी। खैर, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है, क्या वैलिड संविधान बदलना अपराध है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई वो पार्लियामेंट बनी, सब लोग आके उस नई पार्लियामेंट पे बैठ गए, बैठने के बाद सबको संविधान की एक एक प्रतियां दी गई। उस प्रति अब उसमें एक प्रैम्बल है, प्रैम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये दो वर्ड गायब है, जो हिंदुस्तान के प्रैम्बल का संविधान सम्मत एक हिस्सा है। बात पूरी समझ लीजिएगा, ये इंदिरा गांधी के जमाने में जब उनकी सरकार थी तो ऐसा कहा जाता, मतलब ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा हुआ कि प्रैम्बल में उन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो वर्ड उसमें डाले थे, और उसकी एक प्रक्रिया के तहत डाले थे। ये नहीं था कि मैंने मेरा मन किया कल सुबह से मैंने कहा कि नहीं नहीं डाल दो। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 368, अगर मतलब मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत एक प्रक्रिया है, उसके तहत आप अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कुछ चेंज करना चाहें अमेंड करिए। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था, जो सोशलिस्ट सोशल डाला सेकुलर डाला गया था, ये न्यायपालिका द्वारा भी मतलब परखा गया और इसको ठीक पाया गया। अब इसको इसको इसलिए इस तरह से समझना जरूरी है कि जो जो संविधान हमारा आज है वो पूरी एक प्रक्रिया के तहत अगर उसमें चेंज हुआ। अब इन लोग क्या कह रहे हैं, इन लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम पुरानी संविधान की प्रति ले आए हैं, वो भी तो संविधान था। नहीं, पुराना संविधान संविधान नहीं था, अब जो संविधान है एज ऑन डेट माना जाएगा, एज ऑन डेट माना जाएगा। अगर कानून बदल गया तो पुराना कानून लाके आप थोड़ी दे दे। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर वाजिब, अनैतिक काम है। और सिर्फ यही नहीं है, जब हम लोगों ने एक चीज ऐसी देखी, अभी हमारे ऑफिस में आप मेरे पीछे देखते होंगे, आज तो मैं कहीं मैं जयपुर से कर रहा हूं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रखी नई आई है। जब ऐसे ही हुआ कि जरा उसको देखें, उसके जब पेज पलटे गए, तो जो अब नया पब्लिशिंग हो रही है उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं है। ये इंसिडेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन खरीद के लाया गया था, मैं उसमें भी हटवा दिया गया। अब ये इसको आप साजिश कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये सरकार किसी भी असंवैधानिक काम को बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के, इस तरह के कामों में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर अगर बदलना है इसका, आप कुछ भी नाम रखना चाहें जो आपको रखें जो भी, तो आप उस आर्टिकल 368 एक प्रोविजन देता है, उसके हिसाब से आप उसमें जो चेंज रद्दो बदल करना चाहिए करिए। अब आपको बदलना है तो बदलिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो पूरी करिए। और अगर आप उस बिना प्रक्रिया के कर रहे हैं, और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है, जो विपक्ष इस बात पे चुप है बिल्कुल। विपक्ष क्या मतलब, ये तो पक्ष वाला भी है, संविधान की शपथ लेते हैं, और अगर गलत संविधान दिया जा रहा है तो आप किस संविधान की शपथ ले रहे हैं? तो ये एक एक मामला ऐसा है जो मतलब कहीं ना कहीं देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर तो करता ही। अब तीसरी बात, क्या राहुल गांधी रोज
एजेंडा सेट करते हैं मोदी जी के लिए। अब आज राहुल गांधी एक नए रोल में दिखाई दिए, वो आनंद विहार स्टेशन पहुंच गए। आनंद विहार स्टेशन में वो कुली की ड्रेस में हो गए और सिर पे बोझा उठा लिया, एक सूटकेस रख के वो चल दिए कुली बनके। अब वहां पे कुली थे सब साथ। इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा दूं, बैकग्राउंड यह है कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले अभी आजादपुर मंडी गए, सब्जी मंडी गए थे सुबह सुबह, तो वहां पे दो तीन कुली भी इनको मिले थे और वो भी आया था उस समय। जो कुलियों ने कहा था कि साहब आप सब लोगों की बात उठाते हैं, गरीबों की बात उठाते हैं, कुलियों की भी अपनी समस्याएं हैं, तो आप अगर कभी स्टेशन आइए और कुलियों से भी बात करिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो शायद वो जो भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं ना, उनकी भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, तो उसी सीरीज में वो पहुंच गए आज स्टेशन। राहुल गांधी की एक एक, एक जबरदस्त इस समय वो आई है कि वो कनेक्ट खट से हो रहे हैं और खास करके गरीब वर्ग से। गरीब वर्ग को लग रहा है कि मेरा कोई तो आदमी है जो मेरी बात कहने वाला है। अब मुश्किल क्या हो रही है कि राहुल गांधी मतलब जिन लोगों के आवाज बन रहे हैं, जिन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, वो सब्जी वाले की बात कर रहे हैं, वो मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी वो वहां जाके रुपाई करने लग रहे हैं, मतलब किसानों की का काम कर रहे हैं, वो जो कोरियर वाले हैं जो बच्चे खाना ले जाते हैं ले आते हैं कोरियर, उन लोगों के बीच जाके उनकी बात कर रहे हैं। जो कि हमारे प्रधानमंत्री उस तरह की ड्रेस तो चेंज करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, कहीं जाते हैं उस तरह की ड्रेस पहनते हो करते हैं, लेकिन उन लोगों से मिलते नहीं है, उनसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी हैं उनका वो एक दूसरे ढंग का वो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की सब कार्रवाई से अब ये प्लान्ड है कि इससे कंपैरिजन लोग ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन तो ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन ये भी ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई एक प्रधानमंत्री जो टेलीप्रॉम्प्टर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इधर राहुल गांधी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन लोगों के यहाँ बार बार ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह तो भाई मनमोहन सिंह ने अपने दोनों कार्यकाल को मिला के 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मतलब जो मौन था आपके साथ से वो 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप एक भी नहीं कर रहे हैं, तो इस मतलब जो आप किए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैटेगरी नहीं आएगी, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी तक नहीं की। अब राहुल गांधी की एक और वो है कि राहुल गांधी अपना भाई पढ़ाई लिखाई में भी दिखाते हैं, विदेश में भी जाके बात करते हैं, भाषण अच्छा देते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये अभी असल में कल गोष्ठी है और परसों इसका विधिवत उद्घाटन है, वो करके फिर मैं वापस अपने स्टूडियो पहुंचता हूँ दो दिन बाद। तब तक थोड़ा आप लोगों को वीडियो क्वालिटी साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा थोड़ा माफी के साथ आपको थोड़ा झेलना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।